सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। ओके, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आने के बाद मेरे पास जो कि J26 से रिलेटेड आए थे, और वो कमेंट्स क्या थे कि आपने J26 के कस्टम रूम वाला वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया, आप J26 की एक भी वीडियो नहीं बना रहे हो जो कस्टम रूम से रिलेटेड हो, या आप J26 के लिए कोई नई रूम की वीडियो बनाओ, हम काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए और मैंने इन कमेंट्स को देखा भी, इनका रिप्लाई भी किया। लेकिन गाइज, इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ कि उस समय जब मैं कंटिन्यूसली J26 का वीडियो बना रहा था तो उस समय कस्टम रूम काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे थे, जो कि विशाल कटेल ने काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स को पोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद से अचानक रूम्स बनना बंद हो गए, तो मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनानी बंद कर दी। और दूसरा रीज़न ये था कि मैंने अब इस फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दिया था, ये सेकेंडरी फ़ोन की तरह हो गया था मेरा, तो मैं इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था। तो इसलिए मैं J26 के रूम्स, और मैं भी इसी तलाश में था कि कोई अच्छा सा कस्टम रूम मिले जो J26 के लिए बेटर हो, ताकि मैं इस पर वीडियो बना सकूँ। तो ये दिवाली के लगभग आते आते एक बढ़िया सा रूम मिल गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ, और उसके बाद से आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके J26 के लिए एक ओरियो थीम्ड का रूम मुझे मिल गया है, जिसका नाम है अल्टीमेट रिवाइव, या आप उसे अल्टीमेट रूम कह सकते हो, और जिसके डेवलपर हैं मुझे चूंकि ये XG पे मिला, काफ़ी मैंने सर्च किया उसके बाद से मुझे ये रूम XG पे मिला। तो मैंने देखा कि रूम में उतने स्पेशली बग नहीं है, चूंकि आपको पता होगा कि J26 में कोई भी रूम आप यूज़ करो एक ना एक बग आपको मिल ही जाता है। तो ये तो आप लोगों के लिए आम बात हो गई हो, क्योंकि आप J26 के काफ़ी रूम को अभी तक आपने यूज़ कर ही लिया होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें आपको एक दो बग इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके डेवलपर हैं SRA, Elio, NX टीम और हाइपर एलाइव, जिन्होंने मिलकर इस रूम को पोर्ट किया है। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी दिनों बाद मैं J26 के कस्टम रूम का फ्लैशिंग ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले सब आपको आपने अगर हमारे मेरे पहले वीडियोस को आपने देखा होगा, तो आपको सब फ्लैशिंग ट्यूटोरियल मालूम होगा कि आपको रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी। अगर आप अभी तक आपने हमारे पहले वीडियोस को नहीं देखा है, तो अगर आप पहली बार ये डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो इस रूम्स की, तो मैं बता देता हूँ कि आपको J26 की कस्टम रूम फ्लैश करने के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी कस्टम रिकवरी की, जो कि TWRP है। अगर आप उसको नहीं पता कि कैसे फ्लैश की जाती है अपने J26 में, तो उसका ट्यूटोरियल मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हो। और उसके बाद से रिक्वायरमेंट पड़ेगी अल्टीमेट रिवाइव रूम की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और एक सेटिंग पैच की, जो अलग से सेटिंग पैच को बनाया गया है, कुछ सेटिंग इसमें बग्स था उसको फिक्स करने के लिए, तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। हाँ, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ कि दोनों लिंक मेगा का है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मेगा से कैसे डाउनलोड होगा, ये वर्क नहीं कर रहा है। वो लिंक वर्क करता है, आप अच्छे तरीके से फॉलो करके डाउनलोड नहीं करते हो। तो उसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि मेगा ऐप से कैसे आप किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप आराम से मेगा से किसी भी रोम को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसीलिए मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ कि लिंक आपको मेगा के मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें स्पीड अच्छी मिलती है, तो आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चूंकि ऑलरेडी मेरे इस फ़ोन में J26 का जो TWRP रिकवरी है कस्टम वाला, वो इसमें फ्लैश है, और उसके बाद से मैंने इसका बैकअप भी लिया हुआ है। अगर आपने बैकअप नहीं लिया, तो बैकअप आप फ़ोन का ले लो, क्योंकि अगर बाई चांस फ़ोन ब्रिक हो जाता है, तो उससे आसानी होगा आपको फ़ोन को फिर से रिवाइव करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे फ़ोन को ऑफ, जो कि हर बार हम कोई भी कस्टम रोम फ्लैश करने से पहले करते हैं। और ये हो गया फ़ोन ऑफ। अच्छे तरीके से फ़ोन ऑफ हो जाने के बाद से हमें क्या करना है, पावर की प्लस वॉल्यूम अप की प्लस होम की को एक साथ प्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे यहाँ पे कस्टम रिकवरी ओपन होने के लिए। तो जैसा कि देख सकते हो, आपकी गैलेक्सी J26 का लोगो यहाँ पे आ गया है, और कुछ देर में यहाँ पे TWRP ओपन हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये आप देख सकते हो TWRP रिकवरी प्रोजेक्ट 3.1.1, और उसके बाद से ये आपका आ गया TWRP का इंटरफेस। और इसमें आपको कैसे प्रोसेस करना है, तो अगर आप पहले से आए हो तो आपको पता होगा कि डाटा को वाइप करना है। अगर आप अभी नहीं जानते हो, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको वाइप पर टैप करना है, एडवांस वाइप पर टैप करना है, डालविक, उसके बाद से डेटा, और उसके बाद से अगर आप इंटरनल फॉर्मेट करना चाहते हो इंटरनल, उसके बाद से कैच, और सिस्टम भी आप फॉर्मेट कर सकते हो। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, सिंपली करेंगे स्वाइप टू वाइप। तो हमने किया यहाँ पे स्वाइप टू वाइप, क्योंकि आपको पता होगा कि TWRP ये स्टेबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई स्टेबल रिकवरी अगर TWRP की मिल जाती है, तो उसका भी मैं वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा कि कैसे स्टेबल रिकवरी इसमें वर्क कर रहा है। तो ये हो गया फ्लैशिंग इसका स्टार्ट, और उसके बाद से ये आपके आ गया अपडेटेड पार्ट, ये डन हो गया। अब उसके बाद से हमें क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल करना है हमें रोम, और उसके बाद से उसका सेटिंग वाला पैच। तो चूंकि मैंने इसे इंटरनल में नहीं रखा है, मैंने PD में रखा हुआ है, तो मैं स्टोरेज की कमी हो जाती है, आपको पता है कि J26 में कितना इंटरनली स्टोरेज मिलता है, और मेरा SD कार्ड में भी स्टोरेज नहीं था। तो मैंने अब इसे PD में रखा हुआ है रोम को, आप जहां डाउनलोड करके रखना चाहो वहां से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो इंस्टॉल पे आप टाइप करोगे, तो यहां पे आप अपना स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है, और उसके बाद से यहां पे तीन ऑप्शन मिल
जाएंगे इंटरनल माइक्रो एसडी और यूएसबी ओटीजी। तो मैंने यूएसबी ओटीजी में रखा हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो यू आर ई वाइब और उसके बाद से सेटिंग पैच। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोम को सेलेक्ट करेंगे और रोम को सेलेक्ट करने के बाद ऐड मोर जिप्स में जाके सेटिंग पैच को सेलेक्ट करेंगे। दोनों जिप फाइल सेलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करेंगे। तो हमने किया ये स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश और ये हो गया प्रोसेस स्टार्ट। और जहाँ तक मुझे चांस है अरोमा फाइल मैनेजर ओपन होगा और वैसा ही कुछ होने वाला है मुझे जहाँ तक चांस लग रहा था। और ये आपका आ गया, हमने किया इंग्लिश पे नेक्स्ट और उसके बाद से ये इसका भी टच इशू आ रहा है थोड़ा, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद से आ गया यू आर अबाउट टू इंस्टॉलिंग अल्टीमेट रेडिकल एक्सपीरियंस फॉर J320X और J210X। तो हम क्या करते हैं, ये हम करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट। और उसके बाद से ये आप देख सकते हो बेस्ड ऑन N7 SE 9.0 फीचर्स ऑप्टिमाइज फ्रेमवर्क एंड सिस्टम UI ओरियो थीम J4+J6+ वॉलपेपर SD। तो एक तरह से कहें तो ये रेडिकल एक्सपीरियंस का ही थर्ड वर्जन है, जिसका नेम चेंज करके कह सकते हैं कि इसका रखा गया अल्टीमेट रेडिकल एक्सपीरियंस। तो चूँकि उन्होंने ऐसे लिखा था तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बस यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद से हम करना है नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद से जैसे कि आप देख रहे हो टच इशू आ रहा है, तो इसीलिए मैं बार बार इसे टच कर रहा हूँ। तो ये हमने किया नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा नोट 7 का कैमरा स्टॉक कैमरा। तो हमें कुछ यहाँ से ये नहीं करना है और यहाँ पे सब आपको देख सकते हो ऑलरेडी आ जाएगा। आपको ये सब ध्यान से करना है कि अगर इसमें एक भी ऑप्शन इधर उधर होता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे इसको फॉलो करना है, क्योंकि अभी तक ऐसे इस तरह का फ्लैशिंग प्रोसेस आपको किसी और रूम में नहीं मिला होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, फुल वाइप और नो वाइप, आई वॉन्ट टू कीप ऑल माई एप सेटिंग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फुल वाइप विदाउट इंटरनल स्टोरेज। उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट और ये आ गया बैकअप रिकमेंडेड। तो हमने बैकअप तो ऑलरेडी PD में लिया हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे इस ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे ये फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब वेट करते हैं और देखते हैं कितना ये टाइम लेता है फ्लैश होने में। तो आपने देखा कि इस तरीके का प्रोसेसिंग फ्लैशिंग प्रोसेस आपको और किसी रूम में नहीं मिलेगा। तो आप जैसे मैंने दिखाया है कि जो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे सेलेक्टेड था आपको वैसे छोड़ देना है, बस लास्ट में आपको आके फुल वाइप पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको सेम वैसे जैसे आ रहा था आपको कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको अल्टीमेट री का ऑप्शन मिल जाएगा, गैलेक्सी J3 2016 और J2 2016 दोनों के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो SRA के द्वारा ये रूम को पोल्ट किया गया है। और यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो कि अल्टीमेट रेडिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि XDA के पेज पे पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो वहाँ पे आपको अल्टीमेट रिवाइव के नाम से या अल्टीमेट रूम के नाम से ये मिल जाएगा। तो मैं उसका भी लिंक दे देता हूँ अगर आप पेज चेकआउट करना चाहते हो। तो वेट कर लेते हैं इसके डन होने का। तो आप देख सकते हो कि ये फ्लैशिंग हो गया डन, हम करेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद से सिंपली आ जाएगा यहाँ पे अल्टीमेट रेडिकल एक्सपीरियंस, रिबूट योर डिवाइस नाउ, हम करेंगे नेक्स्ट। और उसके बाद से वेट करेंगे डिवाइस के रिपोर्ट होने का। और उसके बाद से जहाँ तक पेज पे मेंशन किया गया था 15 से 20 मिनट का टाइम ले सकता है, तो ये इस तरह हम मान सकते हैं कि रेडिकल एक्सपीरियंस में भी आपको आधे घंटे का लगभग टाइम लेता था फर्स्ट बूट होने में वर्जन 1 में, 2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो वेट करते हैं, अब देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये कितना टाइम लेता है बूट होने में। तो जैसा कि आप देख सकते हो गैलेक्सी J2 का लोगो और ये आ गया सैमसंग का लोगो, चूँकि ये रेडिकल एक्सपीरियंस एकदम हूबहू मिलता जुलता है। अब इसमें चेंजेस हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें नया हमको देखने को मिलेगा। तो वेट करते हैं इसके बूट होने का, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हो ये हो गया ओपन, लगभग 15 मिनट का टाइम लिया है बूट होने में, चूँकि पेज पे भी मेंशन था कि 15 से 20 मिनट का टाइम लगा बूट होने में। तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का टाइम लिया ये बूट होने में। मैंने स्टार्टिंग का पार्ट स्किप कर दिया है और उसके बाद से डायरेक्ट मैं उस सारे सेटअप को डन करने के बाद इसे होम स्क्रीन से मैं दिखाता हूं। तो आपको कुछ ऐसा सिंपली यहां पे इंटरफेस आपको मिल जाएगा इस रूम का। उसके बाद से आप स्वाइप करके सारे ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो वही ऐप्स आपको मिलेंगे यहां पे। डिफ़ॉल्ट ऐप में आप कैमरा वैमरा आपको मिल जाएगा, और उसके बाद से एक नया ऐप में आपको GRX टचवाइज मिलेगा जो कि कुछ मॉडर्न एप्लीकेशन के लिए है, और एक मैजिक्स मैनेजर मिल जाएगा आपको जो प्री इंस्टॉल्ड उसके रूम के साथ आया था। और एक मैं बात बता दूं कि अगर आप रूम को इंस्टॉल कर रहे हो, रूम ओपन हो रहा है, बूट हो रहा है, अगर उसमें सेटिंग ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से रिकवरी में जाके सेटिंग वाले पैच को अलग से फ्लैश करना है, तब जाके वो वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो कि अब सेटिंग इसमें भी अच्छे से वर्क कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने जो इसका पैच था वो मैंने फ्लैश किया। सेटिंग आपको सेम रेडिकल एक्सपीरियंस वाला मिल जाएगा, जो कि बाकी अदर थीम्स हैं वो आप अदर ऐप्स हैं वो आप देख सकते हो ओरियो थीम थोड़ा किया गया है। चूँकि बात करें रोम की तो आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट डिवाइस में अगर आप आओगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फो में आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 9.0 है, एंड्रॉयड वर्जन 8.0, आपको ओरियो मिल जाएगा। तो पूरा ओरियो थीम्ड रोम है। और उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो कि
यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट एक्शन यूजिंग मार्शमेलो लैंड और सेटिंग। तो बेस तो है आपका ये आपके मार्शमेलो पे ही, लेकिन इसमें पूरा ओरियो थीम दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो जो एजेस्टर गेम है वो आपको यहाँ पे मार्शमेलो वाला मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सेटिंग से जाके देखो तो आपको 8.0 ओरियो का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा। बात करें कैमरे की, तो कैमरे में आप देख सकते हो कैमरा स्टॉक कैमरा है, कैमरे में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, कैमरा सेम वर्क करेगा। और अदर ऐप्स की बात करें तो अदर ऐप्स भी अच्छे से वर्क कर रहा है, वोल्टी भी वर्क कर रहा है। चूंकि मेरे पास जियो सिम नहीं है और पेज पे भी मेंशन नहीं था कि वोल्टी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वोल्टी इसमें आपको सपोर्टेड मिलेगा क्योंकि स्टॉक थीम बेस्ड रोम है। और ये आप देख सकते हो इंटरनल एसडी कार्ड या आपको आपका फाइल मैनेजर में यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी आपको यही ऐप मिलेगा, आपको म्यूजिक वाला ऐप मिल जाएगा जिसके थ्रू आप गाने सुन सकते हो। और आप देख सकते हो म्यूजिक का कुछ इंटरफेस ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करें रोम की, तो रोम का मुझे इंटरफेस तो काफ़ी बढ़िया लगा, फास्ट है क्योंकि एनिमेशन ऑफ है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे अभी नेट से अपडेट हो जाएगा वेदर भी, और बाकी ये नोटिफिकेशन पैनल जो कि रेडिकल एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है, कुछ इसमें हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं जो थीम वाले में और ओरियो से रिलेटेड जो चेंजेस हुआ है, तो ये आप देख सकते हो। और पावर की भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मिला जुला के बात करें तो हल्के फुल्के आपको एक दो बग मिलेंगे जो माइनर बग हैं, और बाकी डेली यूज़ करने के लिए रोम काफ़ी बेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है मुझे पता है, लेकिन अच्छा रूम आया तभी मैंने वीडियो बनाया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई अच्छी रूम आती है तो मैं उसका वीडियो आप बना के आपके पास जरूर पहुंचा सकूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली J26 की कोई भी वीडियो अगर आती है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सी यू सून।